अब मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिली पोलेंटा विद सॉटेड वेजिटेबल्स। बहुत ही हेल्दी इटालियन डिश है, मकई के दानों से बनता है एंड इट्स वेरी क्विक टू मेक। तो स्टार्ट करते हैं पोलेंटा को भूनने से। अब मैं पोलेंटा को भूनूंगी। इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए। अब इसके अंदर मैं डालूंगी मिल्क, और साथ ही में इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी क्रीम। ये एक बहुत ही क्रीमी टेक्सचर देगी हमारे पोलेंटा को। अब मैं डालूंगी सॉल्ट एंड चिली फ्लेक्स। आप देखेंगे कि इसको पकाते पकाते ये खुद ही गाढ़ा हो जाएगा, और जब तक ये पक रहा है तब तक मैं अपने वेजिटेबल्स काट लेती हूँ। इस ग्रिडल पैन को अच्छे से हीट करते हैं। जुकीनी और पेपर्स, आप चाहें तो बेबी कॉर्न और कॉर्न, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जाती हैं इस डिश के साथ। मैं इसमें पेपर्स और साथ ही में इसमें जाएंगे चेरी टमेटोज। हम चेरी टमेटोज को आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, चाहे तो हाफ्स कर सकते हैं इसके। दे ऐड अ ब्यूटीफुल कलर टू द डिश। अब पैन गरम हो गया है, इसके अंदर मैं डालूंगी बटर। इसको हम बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। ये पोलेंटा हमारा पक चुका है और इसमें हम अपने वेजीज को स्टर फ्राई कर लेते हैं। और जो पोलेंटा है उसके लिए हम डिश को तैयार करते हैं। एक कोई भी रेक्टेंगुलर डिश लीजिए और उसके ऊपर ऑयल से उसे ग्रीस कीजिए, और इसको ग्रीस कर लेंगे या तो ब्रश से या फिर हाथ से ही। इससे हमारा जो पोलेंटा है वो निकलने में आसानी होगी। अब हम इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे इस ट्रे में, और क्विक पोलेंटा बनाने के लिए हमें इसे डालना पड़ेगा फ्रिज में, और या फिर इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख दीजिए। आप देख रहे हैं ये ग्रिडल मार्क्स आ गए हैं इसके ऊपर। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सॉल्ट और थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स। सॉल्ट इसमें कम ही जाएगा क्योंकि हमने इसमें बटर डाला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी ना हो जाए। ओके, अब हमारे जो वेजिटेबल्स हैं आप देख सकते हैं कि ये ग्रिल हो चुके हैं। इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी। ये पैन को हम गरम होने देंगे
क्योंकि जैसे ही पोलेंटा सेट हो जाएगा मैं उसको भी इसी ग्रिल पैन पे ग्रिल करने वाली हूँ। अब मेरा चिली पोलेंटा सेट हो गया होगा, मैं उसको फ्रिज से निकाल कर लाती हूँ। पोलेंटा सेट होने की यही निशानी है कि वो एजेस से लूज हो जाता है। अब हम इसे स्क्वेयर्स में काटेंगे। आप स्क्वेयर्स में काट सकते हैं, ट्रायंगल्स में काट सकते हैं, रेक्टेंगल्स में काट सकते हैं। ये रहा हमारा चिली पोलेंटा एकदम केक की तरह। इसको मैं ग्रिल पैन पे ग्रिल करूँगी जो मैंने ऑलरेडी हीट करके रखा है। और जब भी आप ग्रिल पैन पे कुछ भी ग्रिल करते हैं तो ध्यान रखिए कि ग्रिल पैन बहुत गर्म होना चाहिए, तभी उसके ग्रिलिंग मार्क्स उस चीज़ पे पड़ेंगे। इसको थोड़ी देर ग्रिल होने दीजिए। जब आप इस रेसिपी को घर पे बनाएंगे और टेस्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा, इट जस्ट मेल्ट्स इन योर माउथ। इट्स सच अ डिलीशियस डिश और आप इसको किसी भी टाइम खा सकते हैं। अब हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर ग्रिलिंग मार्क्स बने या नहीं। ओ परफेक्ट, अब आप देख सकते हैं कि हमारा चिली पोलेंटा तैयार हो गया है। इसको मैं दूसरी साइड भी ग्रिल कर देती हूँ। अब आप देख सकते हैं हमारा चिली पोलेंटा केक तैयार हो गया है। इसको हम अपने चॉपिंग बोर्ड पे निकालेंगे, इसके एजेस को क्लीन करके इसकी प्लेटिंग करेंगे। और साथ ही में सर्व करेंगे ये ग्रिल्ड वेजिटेबल्स जो हमने इसके साथ बनाई हैं। आइडियली आप कितनी भी वेजिटेबल्स इसके साथ सर्व कर सकते हैं। एंड फाइनली अ टच ऑफ रोजमेरी। और ये तैयार हो गया हमारा चिली पोलेंटा विद सॉटेड वेजीज़।